इंदौर में बुजुर्ग पिता को साल भर से घर में कैद रखने का मामला सामने आया है। बेटे ने यह कहकर पिता को कमरे में बंद कर रखा कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इस दौरान उन्हें 8-8 दिन तक नहाने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता था। एक एक माह तक कपड़े नहीं धोए जाते थे व सेविंग भी नहीं कराई जाती थी। इतना ही नहीं, बेटे ने उनकी साल भर की पेंशन, FD की राशि आदि भी निकाल ली और सोने की चैन भी हड़प ली। दुखी पिता ने कलेक्टर को शिकायत कर बेटे से 4 लाख रुपए व भरण पोषण की राशि दिलवाने की मांग की है। मामला महू निवासी सोहन लाल वेद, उम्र 80 वर्ष का है, जो MY अस्पताल से 2001 में रिटायर्ड हुए हैं। वे अपने छोटे बेटे नरेंद्र के साथ महू में रहते थे। पिछले साल बड़ा बेटा देवेंद्र उन्हें अपने साथ रखने के लिए अपने घर आंचल नगर स्कीम नंबर 140 में ले आया। इस बीच जब वे बीमार हुए तो देवेंद्र ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अस्पताल में 10 दिन एडमिट रखने के बाद वह फिर उन्हें घर ले आया और कहा कि आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए आपको किसी से बात नहीं करना है और ना ही फोन लगाना है। अब आपकी नियमित दवाइयां चलेंगी। ऐसा कहकर उनसे ATM कार्ड भी ले लिया। इसके साथ ही 2 तोले की सोने की चेन भी ले ली। दुखी पिता का कहना है कि मुझे एक कमरे में बंद करके रखा गया और किसी से बात नहीं करने दी जाती थी। देवेंद्र ने मुझसे मोबाइल भी छीन लिया था, मुझे नहाने के लिए पानी भी नहीं दिया जाता था। बमुश्किल 8 दिन में एक बार नहा पाता था, कपड़े तो एक माह तक नहीं धुलते। वेद ने बताया कि 21 अप्रैल को छोटी बहू सुनीता मुझे लेने आई थी और कहा कि परिवार में शादी है। रास्ते में मैंने उसे बैंक चलने को कहा और वहां जाकर जानकारी निकाली तो पता चला कि देवेंद्र उनकी 15,000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से साल भर की पेंशन निकाल चुका है। ऐसे ही FD के 1,10,000 रुपए भी उसने निकाल लिए। इस पर मैंने तत्काल ATM कार्ड बंद कराया। बुजुर्ग ने बताया कुछ समय बाद बड़ी बहू किरण का फोन मेरे पास आया कि तुमने ATM कैसे बंद करा दिया। बुड्ढे, हम तुझे जेल पहुंचा देंगे। हमारा इंदौर से लेकर दिल्ली तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देखते हैं तुझे कौन दवाई देता है, कहां से दवाई लाएगा। वेद ने बताया कि बेटा देवेंद्र MY अस्पताल में ही पैथोलॉजी विभाग में है। उसके 3 बच्चे MBBS हैं। उसके बाद भी मुझे प्रताड़ित करता है। 2 दिन पहले उन्होंने जनसुनवाई में ADM पवन जैन को शिकायत की है। ADM ने कहा कि मामले में SDM को कार्यवाही के लिए कहा गया है। और बंद कमरे में उसने रखा मेरे को 1 साल तक। बहुत परेशानी से मैंने समय निकाला, जिसके बाद मेरी छोटी बहू मेरे को 21 अप्रैल 2022 को मऊ ले गई उसके घर। वो बोले मेरे बच्चे की शादी, बाबूजी को मेरे घर भेजो। जब मैं बाहर निकला हूँ घर के, और जब से मैं कार्रवाई करने को इधर उधर आ रहा हूँ मैं।